बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक दफा फिर वतन के दुश्मनों ने इस मुल्क को मैली आंख से देखा है और इस मुल्क की अफवाज ने, इस मुल्क की दफाई इदारों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और दुश्मन को मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया है। जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज होने वाले हमले की। आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में 4 दहशतगर्द हमलावर हुए जिनके पास हर किस्म का हथियार था, जो दस्ती बमों से और हथियारों से लैस थे, और वो 4 दहशतगर्द गोलियों से और दस्ती बमों से स्टॉक एक्सचेंज पर हमलावर हो गए। पाकिस्तान के दफाई इदारों ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में चारों दहशतगर्द को जहन्नम वासल किया, चारों दहशतगर्द को हलाक कर दिया। ये आप देख रहे हैं उनकी लाशें। इस जवाबी कार्रवाई दौरान पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए और इसके अलावा 1 पुलिस का जवान शहीद हुआ। वतन के इन शहीदों को हमारा सलाम, कौम इन वतन के शहीदों को सलाम पेश करती है। कोई भी दुश्मन इस मुल्क का, कोई भी दुश्मन जो है इस वतन की तरफ, इस वतन के किसी इदारे की तरफ, इस वतन की सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखेगा और इस वतन का हर सिपाही, हर फर्द उसको मुंह तोड़ जवाब देगा और उसका निशान इस दुनिया से खत्म कर देगा। पाकिस्तान किसी भी कंट्री को, किसी भी लोगों को, किसी भी दहशतगर्द तंजीम को जरा भी इजाजत नहीं देगा, जरा भी इजाजत नहीं देगा कि वो इस मुल्क में, इस मुल्क के लोगों में, इस मुल्क के किसी इदारे को टारगेट करने की कोशिश करें। पाकिस्तान के इदारों की, दफाई इदारों की, पुलिस की, फौज की, रेंजर की आंखें खुली हैं। रेंजर ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और चारों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अभी तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।